हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलॉजी। दोस्तों मैंने फिल्म देखी सेम बी, और सेम बी एक बिटिया का नाम होता है जिसके साथ गैंग रेप हो चुका है, और उसका इंसाफ के लिए जो दादी संघर्ष करती हैं वही सब इस फिल्म में है। तो पूरी फिल्म देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये एक ज्ञानवर्धक फिल्म है। मतलब इस फिल्म में को देखने के बाद हम अपने आप को इतना मोटिवेट जरूर करेंगे कि हमें हर प्रकार के कानून की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि कोई हमारा शोषण नहीं कर पाए। सेक्शन 509 जानते हो क्या है? जान लो, सरकारी ऑफिसर को उनकी ड्यूटी करने से रोकना, स्टॉपिंग द पुलिस फ्रॉम डूइंग देयर वर्क, एबीसी सेक्शन में लड़कियों को अंदर करो। सेक्शन 192 पर हाथ उठाना, हैरेसिंग द पुलिस, इनको भी अंदर करो। एक गर्भवती महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, अभी देखो मैं क्या करता हूं। सेक्शन 11 पुलिस को बंद करना, थ्रेटनिंग द पुलिस, इनको भी अंदर करो। सेक्शन 294 फॉल्स विटनेस, झूठी गवाही है, इसको भी अंदर करो। बाहर निकलो। और जो लोग 18 साल से कम उम्र के लड़के या लड़कियां, इनके साथ कुछ भी प्रकार की बदतमीजी या कुछ भी ऐसा काम करते हैं, तो एक बात याद रखना, ये जो पॉस्को एक्ट है ना, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। पॉक्सो एक्ट 2012, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यौन अपराध में पीड़ित हुए बच्चों का संरक्षण करने का कानून, इट्स अ ग्लोबल एंड यूनिवर्सल एक्ट। सर, कोई भी केस में किसी को अपराधी सिद्ध करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, लेकिन इस एक्ट में उसे खुद को निरापराधी साबित करना पड़ेगा। हाल ही में बिहार में शशिकांत राय, एक स्पेशल कोर्ट जज, एक रेप केस में हाजिर अपराधी को पहले ही दिन सजा दिया। इतना मजबूत है सर ये पॉक्सो एक्ट। कैसे करेगा ये आप इस फिल्म में आप देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है अपने देश में। प्लस आधे लोग कहते दुरुपयोग होता है, आधे कहते नहीं होता है, वो सारा जो डिस्कशन है इंटरवल के बाद इस फिल्म में बस के अंदर होता है। तेरे पिछवाड़े पे एक भूल गया ना, तो पुलिस भी मुझे अरेस्ट नहीं करेगी, समझा? ये चाकू जिस लेबर ने बनाया उसे अरेस्ट करेंगे। क्यों, मालिक को अरेस्ट नहीं करोगे क्या? वो मालिक तो पैसे खिला के ऐसे ही छूट जाएगा। ऐसे भी होता है क्या भाई? तो हर प्रकार की मेंटेलिटी वाले लोगों के दिमाग में क्या चलता है एक रेप के लिए, वो सारा कुछ उस बस में जब ये लोग चर्चा करते हैं तो वो पता लग जाता है। क्योंकि बहुत से लोग क्या कहते हैं कि अगर किसी और के साथ कुछ हो रहा है और जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो हम फांसी दो, ये दो, वो दो, बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी कनेक्शन निकल आता है कि हमारे नेताजी का है या हमारी पार्टी का है, जिस पार्टी को हम मानते हैं उसका कुछ है, तो हम जो आरोप लगा रहा है लड़की उसी के कैरेक्टर को खराब करने पे तुल जाते हैं। उनके बारे में जाने बगैर बेकार में सपोर्ट में मत बोलिए, वो सब कौन है पता है क्या? कोढ़ाई कनाल के आसपास नशे वाली मशरूम उगाना, गांजा बेचना, चंदन बेचना, ये सब उनका बहुत बड़ा काम है। और भी आपने कुछ इंसिडेंट देखे होंगे, और हमारी पार्टी का नहीं है या हमारे फेवर का नहीं है या हमारी जान पहचान का नहीं है, तो सिवाय फांसी के हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो आदमी की जो दोगलापन है वो भी इस फिल्म में अच्छे से दिखाया। लेकिन एक चीज़ है, ये फिल्म देखते समय कानून की पढ़ाई करने का मन जरूर करेगा सबको कि कौन सी धारा, कौन सा एक्ट वगैरह वगैरह किस काम आता है। तो ओवरऑल इंटरवल तक एकदम सस्पेंस थ्रिलर टाइप से चलती है, और इंटरवल के बाद जब प्रैक्टिकली फिल्म आती है तो जो ओरिजिनल लैंग्वेज में देख रहे हैं इंटरवल के बाद उनको तो फुल मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसी टोन में बातचीत करते हैं। हिंदी डब्ड में वो टोन नहीं पकड़ पाया है, तो थोड़ा सा हल्का सा लग सकता है कि थोड़ा सा मतलब ट्रैक से भटक गई है, लेकिन वो ट्रैक से नहीं भटकी है, क्योंकि ये फिल्म संदेश देना चाहती है। इस वजह से ये सारी जो बस में चर्चा होती है वो थोड़ी लंबी है, तो वो अगर आप ध्यान से सुनोगे तो एक एक बात आपको सही लगेगी। जो फेवर कर रहे हैं वो भी, और जो फेवर नहीं कर रहे हैं वो भी, और जो मसाला लगा के अफवाह उड़ा देते हैं वो भी। और इस तरीके से जो संघर्ष किया दादी ने वो आप देखोगे तो मज़े ही आएगा। तो ओवरऑल ये फिल्म आप मज़े के पर्पज़ से मत देखो, ये फिल्म आप इसलिए देखो कि आप अनजाने में ही कोई ऐसी गलती ना कर बैठो अगर कोई नाबालिग है तो, क्योंकि पॉक्सो एक्ट बहुत आपको बर्बाद कर देगा अगर आपने भूल से भी किसी भी 18 साल से नीचे के लड़के लड़की के लिए कुछ भी बुरा ख्याल अपने मन में लाया तो। तो ओवरऑल अच्छी फिल्म है, इसे आप जरूर 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 देखो। तो दोस्तों बस इतने कहना फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।